व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई रियली होप आपको ज़ाको पाने वाली सीरीज़ पसंद आई होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, बहुत सारे लोगों को लेटली नोटिफिकेशन नहीं जाती वीडियोज़ की, सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट बेल आइकन। एंड अभी हम आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? प्राग, चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग। बहुत ही सुंदर सिटी है, मतलब चीप एंड अफोर्डेबल, जस्ट लाइक व्रॉत्सोव। जितनी भी पोलिश सिटीज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बट आई थिंक अगर मुझे सिर्फ एक सिटी चूज़ करनी हो ऑन अ बजट जो मैं यूरोप में विजिट करना चाहूँगा, तो इट विल डेफिनेटली बी प्राग। तेरा क्या थॉट है भाई प्राग में? प्राग बहुत ही बढ़िया है, हम तो शायद थर्ड या फोर्थ टाइम जा रहे हैं। थर्ड या फोर्थ, मतलब प्राग तो ये है कि जब भी जाओ मज़ा ही आता। प्राग तो सुपर फन है, इट्स ऑलवेज रियली नाइस। प्राग सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है बट नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है, और भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम प्राग आपको पहुँच के दिखाएंगे। अभी हमें 3-1 घंटे लगने चाहिए पहुँचने में, यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ व्रॉत्सोव से सिर्फ 3.5 घंटे की ड्राइव है। बहुत सारी सिटीज़ हैं आसपास, बर्लिन 3.5 घंटे की ड्राइव है, ऑस्ट्रिया में वियना 5 घंटे की ड्राइव है, तो हम कहीं भी गाड़ी लेके चले जाते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट चीज़ है यूरोप में। अभी हमें सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना है, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सुबह 9 बजे निकले थे। एंड उसके बाद 1 घंटे में चेक रिपब्लिक का बॉर्डर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि शेंगेन में जो ये शेंगेन एरिया है जिसमें 26 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं बाय रोड। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी मैं कवर भी कर चुका हूँ। बट आज ऑनलाइन टोल पे कर देना पहले। ओए हाँ यार, पीछे गाड़ी लग जाए फिर से। अगर आपने मेरी बुदापेस्ट वाली सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि ये क्या बात कर रहा है। पिछली बार मुझे फाइन मिल गया था चेक रिपब्लिक में, क्योंकि बुदापेस्ट जाने के लिए भी, हंगरी जाने के लिए आपको चेक रिपब्लिक से होते हुए जाना पड़ता है। एंड चेक रिपब्लिक में ये सीन है कि मैनुअल टोल नहीं होते और ना ही कोई स्टिकर वगैरह लगते, आपको वेबसाइट पर जाके पे करना पड़ता है। एंड अगर आप चेक हाईवे एंटर करो विदाउट पेइंग तो वो पीछे गाड़ी लगा लेते हैं पुलिस वाले। तो इस बार मैं ध्यान रखूंगा कि भाई पहले ही पे कर दूं। तो अराउंड 3 घंटे में पहुंच जाएंगे प्राग, उसके बाद मैं आपको पूरा प्राग दिखाता हूं। सबसे बढ़िया बात ये है कि आज सनी है, क्लाउडी सनी है, तो वैसे ही और बहुत सुंदर लगेगा। हाँ, ये बहुत सही चीज़ है। तो आज धूप तो बहुत बढ़िया निकली हुई है, बट भाई टेम्परेचर क्या है? -9 है, मतलब सुबह फील्स लाइक -17 था जब तू निकला था। आई डोंट नो इस बार सिटी में भी क्या हो रहा है, -9 टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक -13-14 रह रहा है। मैं विंटर्स में कभी भी प्राग नहीं गया, 3 बार गया हूँ बट 3 बार समर में, तो विंटर में मेरा भी पहला टाइम होगा एंड इसका भी विंटर्स में फर्स्ट टाइम ही होगा। तो देखते हैं कि विंटर्स में कैसी लगती है सिटी। एक दिक्कत ये हो गई कि हमने मैप्स पे ध्यान नहीं दिया एंड गलती से हमने जर्मनी एंटर कर लिया है, डॉयचलैंड। अब वापस जा रहे हैं पोलैंड की तरफ, फिर वहाँ से दूसरा हाईवे लेना है चेक के लिए। तो इतना इजी होता है, मतलब पता भी नहीं लगा कि हम जर्मनी में आ गए। वो तो फिर मैप देखा मैंने, तो ये जर्मन हाईवे है जहाँ कोई स्पीड लिमिट नहीं होती। पे वैसे मैं देख रहा था टॉप रेटेड रेस्टोरेंट्स में सबसे पहले इंडियन आ रहा था एक, मतलब पूरे प्राग का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट। हाँ, ट्रिप एडवाइजर पे चेक किया था तो बढ़िया लग रहा था रेस्टोरेंट तो इंडियन, तो वो तो चलना ही चलना है, वो तो जाना ही है। बाकी थोड़ा बहुत चेक फूड ट्राई करेंगे, चेक फूड ट्राई करेंगे, वो चिमनी ब्रेड जो इनकी सबसे फेमस है। वैसे पता है वो हंगेरियन है बट फिर भी चेक में सबसे ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, मुझे तो लगता था चेक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुझे स्टोर यहाँ चेक में मिलेंगे बट ओरिजिनली हंगेरियन। वैसे एक ही चीज़ के लिए जाना जाता है चेक, तो बियर हर चीज़। तो 35 मिनट की ड्राइव रह गई है। बिल्कुल अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ एयरबीएनबी के पास, बिल्कुल मैंने सेंटर पे एयरबीएनबी बुक कराया चार्ल्स ब्रिज के पास। बहुत ही फेमस ब्रिज है यहाँ प्राग में, चार्ल्स ब्रिज, यहाँ से थोड़ा सा दिख भी रहा है। अभी पहले एयरबीएनबी में चेकिंग करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अपार्टमेंट में चेकिंग कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ एयरबीएनबी। यूरोप में मैं ऑलमोस्ट हमेशा एयरबीएनबी कराता हूँ, होटल नहीं, क्योंकि एक तो किचन मिल जाती है और ऊपर से बिल्कुल सेंटर में होते हैं सारे एयरबीएनबी जो भी आपको कराने हैं। बहुत ही कोजी सा स्टूडियो है बट 2 जनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने 6,000 रुपये पर डे में कराया। एंड मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये चेक में बीच में ऐसे कोर्टयार्ड्स बहुत फेमस हैं कि बीच में कोर्टयार्ड होता है और चारों तरफ अपार्टमेंट्स। दिस विल बी आवर स्टे फॉर 2 डेज़। लोकेशन बहुत ही अच्छी है अपार्टमेंट की, बिल्कुल चार्ल्स ब्रिज के साइड में है,
तो अभी बस फ्रेशन अप होके थोड़ा घूमने निकलेंगे। आपको भी दिखाता हूँ प्राग, बहुत ही बढ़िया सिटी है, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। एंड आज देखते हैं कि कितना प्राग एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज गए हैं एंड 4:30 बजे बिल्कुल रात हो जाती है, एंड रात को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है एक्सप्लोर करने का। अगले व्लॉग में मैं आपको प्राग की सारी मेन अट्रैक्शन दिखाऊंगा, जैसे जॉन लेनन वॉल, ओल्ड टाउन, चार्ल्स ब्रिज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राग कैसल। इस अपार्टमेंट से बिल्कुल सब कुछ 8-to-Z वॉकिंग डिस्टेंस पे है। प्राग कैसल है 10 मिनट, चार्ल्स ब्रिज 5 मिनट, एंड बहुत सारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं यहाँ प्राग में। इवन दो क्रिसमस मार्केट नहीं लगी हुई इस बार प्राग में, क्रिसमस मार्केट कैंसिल हो गई थी, बट सिटी इन लोगों ने थोड़ी बहुत डेकोरेट की हुई है। ये ना मेन क्रिसमस ट्री, यही तो है, वो तो सेंटर पे लगा हुआ है ना प्राग। हाँ हाँ सेंटर पे है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ ना, फिर वहीं से चलते हैं ना चार्ल्स ब्रिज से। सेंटर ऑपोजिट साइड है। हाँ चार्ल्स ब्रिज के ऑपोजिट साइड। ओके ओके, दो पार्ट हैं प्राग के, एक चार्ल्स ब्रिज के इस साइड और दूसरी साइड। अरे पर एक काम करो, पहले पार्किंग का देख लो, पता चले हर बार फाइन मिलते हैं हमें। तो जहाँ हमने गाड़ी लगाई है वहाँ सिर्फ रेजिडेंट लगा सकते हैं, एंड हमें कोई आइडिया नहीं है कि अगर हम एयरबीएनबी में रुक रहे हैं तो यहाँ लगा सकते हैं या नहीं, एक बार पहले ये सॉर्ट करते हैं, वरना मैं हर बार फाइन देके जाता हूँ यहाँ चेक में। भीड़ तो अच्छी है यार। हाँ भीड़ तो बहुत है यहाँ, तो लग ही नहीं रहा कुछ कोविड वगैरह है, मतलब इतनी भीड़ है कि हमेशा इतनी भीड़ होती है यहाँ प्राग में, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कुछ कोविड वगैरह। बहुत टूरिस्टिक है, बहुत टूरिस्टिक है प्राग, शायद नंबर वन विजिटेड सिटी है शायद। नहीं नहीं नहीं, नंबर वो पेरिस है नंबर वन तो, बट मैं गारंटी कह सकता हूँ पेरिस से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। Definitely. तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली जा रहे हैं ओल्ड टाउन स्क्वायर, बहुत ही प्यारी वॉक है ये चार्ल्स ब्रिज की, एंड आप चार्ल्स ब्रिज के ऊपर भी चढ़ के जा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री है, बहुत ही अच्छे व्यू होते हैं वहाँ से। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो चार्ल्स ब्रिज के, चार्ल्स ब्रिज के दोनों साइड ऐसे टावर हैं जहाँ आप ऊपर क्लाइंब करके जा सकते हो। यहाँ पर पता है बोट राइड भी कर सकते हैं, हमने करी थी, हमने पिछली करी थी वो पैडल बोट पैडल। हाँ हाँ जहाँ हमने भी तो करी थी। हाँ हमने पैडल बोट, अच्छा था जब मैं वेरोनिका वगैरह के साथ आया तब भी करी थी। अच्छा इस बार देखते हैं, ठंड में पता नहीं कैसा लगेगा। आप इन सारे स्टैचू से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी हिस्टोरिक सिटी है। यहाँ पे ये थोड़ी बहुत स्टॉल लगी हुई है, आई थिंक चेक स्ट्रीट फूड मिल रहा है, वो चेक स्ट्रीट फूड मिल रहा है तेरे काम की चीज़। चलो अभी तो पहले ओल्ड टाउन देख के आते हैं कि क्या डेकोरेट किया है या नहीं किया। डेकोरेशन तो है पर कोई मार्केट नहीं, मार्केट नहीं। अच्छा डेकोरेशन है, चल देखते। यही वो रिवर है जहाँ पर बोट राइड वगैरह होती है, मैं श्योर नहीं हूँ कि सर्दियों में होती है या नहीं। बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है हमेशा प्राग आके, यहाँ तो मतलब ज़ाकोपाने और पोलैंड के कंपैरिजन में तो कुछ भी ठंड नहीं है, आराम से इंजॉय कर पा रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एंड ये सामने है चार्ल्स ब्रिज का दूसरा टावर, मैं हमेशा इसी के ऊपर गया हूँ। हर एक बिल्डिंग इतनी ज़्यादा सुंदर है, मतलब जो नॉर्मल चर्च वगैरह भी हैं, इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है प्राग का। और चार्ल्स ब्रिज क्रॉस करते ही सामने मेन स्ट्रीट आती है, पहले ओल्ड टाउन से पहले, जहाँ सारे रेस्टोरेंट्स, सारी खाने पीने की मेन चीज़ें हैं प्राग में। तो ऋषभ को हेयर कट कराना है, लास्ट बार जब वो प्राग आया था तो भी उसने वहीं से कराया था, सो कह रहा है कि बहुत बढ़िया जगह थी, वहीं से कराएगा इस बार भी। एंड ये वो स्ट्रीट, सारे ये रेस्टोरेंट्स हैं साइड में, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, अभी चल के कुछ खाते हैं पहले। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ प्राग में आपको हर ग्रोसरी स्टोर पे, सुविनियर स्टोर पे कैनाबिस लॉलीपॉप, कैनाबिस चॉकलेट, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वो कुछ भी मत लेना, वो सब कुछ बिल्कुल फेक होता है। यहाँ चेक रिपब्लिक में लीगल भी नहीं है कैनाबिस, बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ चेक में लीगल है, बट सब कुछ फेक चीज़ें मिलती हैं, तो बिल्कुल भी उस पर अपने पैसे स्पेंड मत करना। एंड सुन, हाँ कैंडी लेनी है, खुशबू आ गई ना, मैंने तो इसलिए बोला। हमने 1 किलो कैंडी खत्म करी थी, 1 किलो, 1 किलो कैंडी। जब हम यहाँ सेल्सबर्ग से आए थे ना हम यहाँ पर, हाँ, सेल्सबर्ग से। तो पिछले साल 2019 में जब हम रोड ट्रिप कर रहे थे, हम यहाँ ऑस्ट्रिया से आए थे, मतलब हमने 12-13 घंटे की रोड ट्रिप की थी इंक्लूडिंग प्राग, तो प्राग से वापस जाते हुए व्रॉत्सव 1 किलो कैंडी हमने गाड़ी चलाते हुए खत्म कर दी थी। तू नहीं करी थी मोस्टली? तो मोस्टली मैंने ही करी थी। तुझे मैं, शौक है कुछ गाड़ी चलाते हुए खाने का? गाड़ी, हाँ मेरे को कुछ स्नैकिंग चाहिए होती है, जैसे हाँ, पहले जब गए थे हाँ, तो मैं 2-3 चिप्स के पैकेट खा गया था। हाँ, हाँ, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए तुझे, कुछ स्नैकिंग चाहिए, नहीं तो नींद आती है। हाँ ये भी है, क्योंकि उस टाइम पे तूने ही सारी गाड़ी चलाई थी। हाँ, मैं तो मोस्टली 5-6 घंटे गाड़ी चलाई थी यार, मैं तो मस्त रेस्ट करता था। ऋषभ को शौक था गाड़ी चलाने का, तो उसने पूरे रास्ते यही चलाता था गाड़ी। ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर्स भी तो टोटल, हाँ तो टोटल हमारी ट्रिप अराउंड 6,000 किलोमीटर की थी। अब देखते हैं फ्यूचर में कब प्लान कर पाएंगे ऐसी रोड ट्रिप। गाइस जस्ट लुक एट दिस, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब यार मज़ा आ गया सही में। वो यार ये तो बहुत बढ़िया डिसीजन था प्राग आने का, वियना की जगह। बिल्कुल वियना जाते तो ठीक है, वियना भी अच्छा है, बट वियना बहुत सुंदर है। हाँ पर प्राग फन है। हाँ प्राग अपनी फीलिंग है,
प्राग पता नहीं क्यों हमेशा मतलब आई विल चूज प्राग ओवर वियना एनी टाइम। प्राग में भी ऐसे घोड़े चलते हैं मतलब बिल्कुल पुराने स्टाइल में। मैं आपको भी क्रिसमस ट्री दिखाता हूँ, मतलब इससे सुंदर क्रिसमस ट्री नहीं दिखा मैंने किसी भी सिटी में। एंड ये लेफ्ट में है यहाँ की एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, ये भी बहुत फेमस एक अट्रैक्शन है प्राग में। अभी इतना सुंदर लग रहा है अगर क्रिसमस मार्केट लगी होती प्राग वाली। और यहाँ पे पूरे टाइम क्रिसमस कैरल्स चलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है। आई थिंक वो फोटो स्पॉट है, देख पूरी भीड़ लगा रखी है लोगों ने सामने क्रिसमस ट्री के साथ। क्रिसमस ट्री के आगे फोटो। जस्ट लुक एट दिस क्रिसमस ट्री, मतलब इतनी सिटी मैंने विजिट करी है क्रिसमस पे, इतना ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री मैंने पहली बार देखा है। एंड ये आई थिंक अभी वीडियो में नहीं पता लग रहा क्योंकि वीडियो में छोटी लगती हैं चीज़ें, बट बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री है। एंड ये है पूरा प्राग का ओल्ड टाउन। वैसे मैं किसी को रिकमेंड करता नहीं हूँ सर्दियों में यूरोप आना, बट प्राग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको क्रिसमस डेकोरेशंस देखनी है तो प्राग ज़रूर आओ विंटर्स में। एंड जो प्राग का ओल्ड टाउन है उसके बिल्कुल लेफ्ट में ये पूरी फैशन स्ट्रीट है प्राग की, हर एक ब्रांड है यहाँ पे, जितनी भी लग्जरी ब्रांड्स होती हैं। ये मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, देख लुई वुइटन सारी ब्राइटलिंग कार्टियर, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पर भी पूरी है कि ये शॉपिंग स्ट्रीट है शॉन्स एलिज़े जैसी। तो जैसे पेरिस में शॉन्स एलिज़े हैं बिल्कुल वैसी स्ट्रीट लग रही है फैशन स्ट्रीट यहाँ प्राग की। हाँ सारी बिल्कुल सबसे लग्जरी ब्रांड्स हैं, डियोर लुई वुइटन है, उधर ब्राइटलिंग है। मैंने खुद पहली बार ढंग से नोटिस करी है स्ट्रीट, इतनी बार प्राग आ चुका हूँ ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जो यहाँ नहीं है। आई थिंक इवन शॉन्स एलिज़े से ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में क्योंकि डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब सबसे बड़ी बड़ी जो वॉच ब्रांड्स भी हैं लग्जरी ब्रांड्स वो भी हैं यहाँ पे, ये मैंने और ऐसे कहीं नहीं देखी। और तो मैं पी के पता फिलिप सामने YSL लुई वुइटन। डिनर करने हम आए हैं पिज्ज़ा नोवा, गूगल के अकॉर्डिंग ये बेस्ट रेस्टोरेंट है इटालियन स्टाइल पिज्ज़ा के लिए। मैंने ऑर्डर किया है पिज्ज़ा बुराता एंड ऋषभ ने मार्गरीटा पिज्ज़ा बुफाला। तो ये है नियोपोलिटन स्टाइल पिज्ज़ा जो नापोली में खाते हैं पिज्ज़ा में, नेपल्स में। तो यार पिज्ज़ा खा के मज़ा आ गया, मतलब इतना बढ़िया पिज्ज़ा या तो मैंने नेपल्स में खाया था, इटली में या फिर यहाँ पर। तुझे कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी था। अब मैं गारंटी कह सकता हूँ कि मतलब प्राग सबसे वर्थ डेस्टिनेशन है आने के लिए। हाँ मेन तो हमारे लिए फूड अट्रैक्शन होती है। तेरे लिए आपके लिए भी वही है पर मैं तो नहीं खाता यार। अच्छा तो यार मतलब बढ़िया खाना, बढ़िया नाइट लाइफ, बहुत सुंदर सिटी, सबसे वर्थ इट सिटी में से एक है प्राग विजिट करना। सो यहाँ से स्टार्ट होता है ये दूसरा सेंटर प्राग का, ये मोस्टली पार्टी वगैरह के लिए है। इस स्क्वायर पे सारी पार्टीज वगैरह होती हैं, पब क्रॉल भी तो यहीं लेके आते थे। हाँ। यहीं से स्टार्ट करते थे कहीं से, जैसे प्राग का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। हाँ सब जगह एक मेन सेंटर होता है, मेन सिटी सेंटर। हाँ, मेन सिटी ये पूरी सिटी ही ऐसी बनी हुई है। हाँ। कि यहाँ पे कहीं कहीं कुछ कुछ है, कहीं कहीं कुछ कुछ देख सकते। हाँ ये तो मैंने देखा। बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता तो बाटा एक चेक कंपनी है इंडियन, नहीं इतना बड़ा शोरूम है। सो गाइज ये है पूरी मेन पार्टी स्ट्रीट प्राग की, दोनों साइड सारे कैसीनोस, बार्स, क्लब्स, पब्स, ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं तो ऑलमोस्ट खाली पड़ी है। आई थिंक 8-9 बजे के बाद यहाँ पर लोग आने स्टार्ट होते हैं। सामने ये बहुत ही बढ़िया म्यूज़ियम है, नारादोनी म्यूज़ियम। एंड प्राग पूरा ये अपहिल डाउनहिल पे लोकेटेड है तो कई बार सांस इतने ज़्यादा चढ़ जाते हैं अपहिल जाने में। सबसे दिक्कत ये कपड़े बहुत सारे पहने। हाँ गर्मियों में कुछ पहनना नहीं होता। भाई करा ली कटिंग? सही लग रहा है। हाँ बढ़िया एकदम। मैं तो इसलिए करा ली, यूके में तो बहुत महंगी है। यूके तो चलो भाई रहने ही दो। सो गाइस इस वीडियो में तो मैंने आपको थोड़ा बहुत प्राग दिखाया ऊपर ऊपर से, अगले व्लॉग में मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगा एक एक चीज़, यहाँ की सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन, सारी देखने लायक चीज़ें। सो अभी हम जा रहे हैं वापस एयरबीएनबी, थोड़ा रेस्ट वगैरह करने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।